इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारे एक्सिस एप्लीकेशन एक्सिस जो यहाँ पर एक्सिस क्रेडिट कार्ड रहता है उसकी स्टेटमेंट हम यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड करते हैं तो उसका पासवर्ड हमें नहीं पता रहता है तो हमें क्या करना चाहिए, उसका पासवर्ड क्या डालना चाहिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं डाउनलोड कर लेता हूँ अपनी स्टेटमेंट। आप ईयर सिलेक्ट करिए, मंथ सिलेक्ट करिए, जो उन सभी मंथ है जैसे जुलाई जून, जून के हम यहाँ पर पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं। उसके बाद आपको उसके बाद ये यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। इसे ओपन करते हैं। ओपन जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर ये आ जाएगी पीडीएफ से। इसे खोल लेते हैं। खोलने के बाद यहाँ पर हमें पासवर्ड क्या डालना है, देखिए जो भी जैसे कि आपका नाम है, जैसे आपका नाम है आसिफ, ठीक है, ASIF आप डालिए, ठीक है। अगर आपका जो नाम है वो 5 अंकों का, जैसे कि राकेश, ठीक है, राकेश RAK राकेश इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है, राकेश इस तरीके से भी लिख सकते हैं और किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो वर्ड डालने हैं वो सिर्फ 4 डालने हैं, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं। चाहे आपका राकेश नाम हो, चाहे आपका बहुत बड़ा भी नाम हो, चाहे आपका 4 वर्डों पर नाम ही ख़त्म हो रहा हो, तो आपको सिर्फ 4 वर्ड डालने हैं कैपिटल करके, बड़ा अक्षर करके। उसके बाद क्या करिए कि अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर डाल दीजिए, लास्ट का 4 अंक, ठीक है। उसके बाद आप ओपन करेंगे तो ये इजीली ओपन हो जाएगा। तो इतना सा प्रोसेस रहता है बस इसके, छोटा सा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।